डॉक्टरों के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको साझा करें जा सीएम नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम, आज कई व्यस्तताएं उनकी रहने वाली हैं। सिख समाज के डेलीगेशन के साथ उनकी बैठक रहेगी, तो सीएम नायब सिंह सैनी डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम आवास पहुंचेगा डेलीगेशन, फिर शाम 4 बजे भी सीएम बैठक करने वाले हैं विद्युत और एचकेआरएन श्रम विभाग के साथ भी बैठक होनी है, बीएमएस के प्रतिनिधि मंडल के साथ भी बैठक होनी है, तो तंजानिया के प्रतिनिधियों के साथ भी सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक, और फिर शाम करीब 5 बजे सीएम बैठक करने वाले हैं। तो आज कई सारी महत्वपूर्ण बैठकों का जो कार्यक्रम है वो सीएम नायब सिंह सैनी का रहने वाला है, यानी कि कई बैठकों में उनकी व्यस्तताएं आज रहने वाली हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शाम 4 बजे भी सीएम बैठक करने वाले हैं, उसके बाद शाम 5 बजे के आसपास भी वो बैठक करने वाले, विद्युत एचकेआरएन और श्रम विभाग के साथ बैठक, तो बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी उनकी बैठक रहने वाले हैं, तंजानिया के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी बैठक रहेगी, सिख डेलीगेशन के साथ वो बैठक करेंगे। शाम करीब 5 बजे सीएम नायब सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर शाम को 4 बजे सीएम बैठक करने वाले हैं, फिर शाम 5 बजे भी उनकी बैठक होगी, विद्युत एचकेआरएन और श्रम विभाग के साथ उनकी बैठक होनी है। सीएम नायब सिंह सैनी के आज कई व्यस्तताएं देखने को मिलेंगी। साहिल रुखाया मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। साहिल जरा बताइएगा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है आज दिन भर सीएम नायब सिंह सैनी का? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री के आवास पर संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज की जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन होगा। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो भी यहाँ शिरकत करेंगे। सभी जिलों से नामदेव समाज के संत जो है वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे जो है मुख्यमंत्री सिख समाज के डेलीगेशन से मिलेंगे, क्योंकि सिख समाज का डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेगा और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और शाम को 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री की रहने वाली है, जिसमें विद्युत एचकेआरएन श्रम विभाग और बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। और उसके बाद शाम को 5 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री आवास पर तजानिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की रहने वाली है। तो मिनट टू मिनट आज कई कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ के अंदर रहने वाले हैं, तो कई बैठकें भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है। बिल्कुल साहिल, और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि सभी जिलों से जो नामदेव समाज के संत शामिल होंगे, लिहाजा समझा जा सकता है कि बड़ा ही भव्य और बड़ा कार्यक्रम, बड़े स्तर पर ही कार्यक्रम होगा। लेकिन लिहाजा जो प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है, चाहे हम विद्युत विभाग के साथ बैठक की बात कर ले, एचकेआरएन की बैठक की बात कर ले, विद्युत की बात कर ले, ये किन मुद्दों को लेकर, क्या विभागीय समीक्षा की तरह ये बैठक होने वाली है? क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, 15 सितंबर यानी सूत्र बता रहे हैं कि 15 सितंबर के आसपास या बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। तो ऐसे में लगातार बैक टू बैक बैठ के जो है मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। जिस तरीके से आज विद्युत एचकेआरएन श्रम विभाग और बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है मुख्यमंत्री की बैठक रहने वाली है, जो तमाम मांगे हैं इसको लेकर चर्चा जो है इस बैठक के अंदर की जाएगी। तो लगातार हरियाणा सरकार जो है वो एक्टिव मोड में काम कर रही है, क्योंकि कुछ ही महीनों का वक्त जो है वो चुनाव को बचा है, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई रिस्क जो है वो सरकार नहीं लेना चाहती, सबको साधने का काम जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो यही कारण है कि अब लगातार जिस तरीके से जो है बैठकों का दौर जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जारी है। ठीक है साहिल, अपनी नजर आप इन पर बनाकर रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए।